कोशिश करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकॉन बटन प्रेस कर दें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल अय्यूब 105। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब मेंबर्स खैर आफियत से होंगे। ये साल 2022 भी बहुत ही मायूस कन रहा, हालांकि मंजिल करीब आकर फिर दूर चली गई और बी फॉर यू SRG मेंबर्स को मायूसी का सामना करना पड़ा। इसके ज़िम्मेदार हम किसको ठहराएं, सैफुररहमान और इनके लीडर्स को या जावेद खान इनके मेंबर्स को? इसका जवाब आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। जैसे लग रहा था कि बना बनाया खेल ख़राब हुआ, क्योंकि इन मेंबर्स और लीडर्स में कुछ अच्छे और कुछ बुरे ख्याल रखने वाले लोग मौजूद ज़रूर होते हैं। तो अब अगर खालिद फारूक और सैयद कमर जैदी साहब अगर कुछ करना चाहते हैं तो अवाम यानी मेंबर्स एक मरतबा फिर खालिद फारूक पे एतमाद की यकीन दहानी का इन्होंने यकीन दिलाया है और उन्होंने एतमाद किया है। हम इस अच्छी उम्मीद के साथ न्यू साल पे दुआगो हैं कि 2023 सब मेंबर्स के लिए खुशियों का साल हो, सबको इनके पैसे जो हैं वो मिल जाएं, बाशर्त देने वाले की नीयत सच्ची हो, उसकी नीयत में कोई खोट ना हो। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने परवरदिगार से दुआ करें और इसी से मांगें, शायद हम 5 लाख मेंबर्स में से किसी एक की दुआ कबूल हो जाए, क्योंकि हम सब मेंबर्स 2022 बहुत परेशानी से गुज़र के आए हैं। सब मेंबर्स ने बहुत सब्र से काम किया, अल्लाह करे 2023 में हमें हमारे सब्र का फल मिल जाए, हमें सब्र करने का सिला मिल जाए, क्योंकि 2022 में लोगों ने बहुत जो है ना इंतज़ार किया। अब नई कमेटी बन रही है तो हमें वो हमारी उम्मीदों पे जो है ना वो पूरा उतरे। चंद लोगों के अलावा सब मेंबर्स ने सैफुररहमान का साथ दिया, सिर्फ सैफुररहमान की इस बात पे कि अगर मैं मर जाता हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है, अगर मैं आपके पैसे लेके भाग गया तो कल को मैं अपने अल्लाह और अपने नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये उनके बयान में था कि अगर मैं आप लोगों के आपको पैसे दिए बगैर मर गया तो मैं अपने परवरदिगार को क्या मुंह दिखाऊंगा, और मैं हर सूरत सबकी अमानतें ज़रूर लुटा दूँगा। बाकी दिलों के जो हाल है ना अल्लाह ही जानता है। कुछ लोगों का अभी भी ये जहन है कि सैफुररहमान फिर जेल में भेजा जाए, हम हरगज़ ऐसा नहीं चाहेंगे। 2023 में अदालत कोई अच्छा फ़ैसला सुना दे। हम दुआगो हैं कि अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अब दे मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।